इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों आईटेल के मोबाइल फ़ोन में ऐप को हाइड और अनहाइड कैसे करेंगे। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आईटेल मोबाइल फ़ोन के ऐप लिस्ट में आना है, ऐप लिस्ट में आकर नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक फ़ोन मास्टर के नाम से ऐप मिल जाएगा, फ़ोन मास्टर वाले ऐप में चले जाना है। देखिए अगर आप फ़ोन मास्टर ऐप में जब आप पहली बार आएंगे तो इस तरीके से आपका ये ऐप खुलेगा, और जब खुलेगा तो यहाँ नीचे टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, टूल बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको थोड़े नीचे आना है तो आपको यहाँ देखिए एक हाइड का ऑप्शन मिलेगा, हाइड पर क्लिक करेंगे। हाइड पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा अगर आप इसमें पहली बार आएंगे तो पासवर्ड आपको कैसे सेट करना है, सबसे पहले आपको डबल हच डालना होगा और उसके बाद चार अंकों का पासवर्ड बना लेना है। तो जब आप बना लेंगे तो इस तरीके का पेज मिल जाएगा। मैंने क्योंकि पहले से ही पासवर्ड सेट कर रखा है तो मैं जैसे ही अपना पासवर्ड डालूंगा या डालेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको ये देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा ऐप को हाइड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर फ़ोन का सारा ऐप यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए दोस्तों आप दोस्तों जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप दोस्तों एक बार में एक ही ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक को हाइड करना है तो फेसबुक को सिलेक्ट कर देंगे, फिर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं फेसबुक हाइड हो गया। उसके बाद हमें किसी और ऐप को हाइड करना है तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जिस ऐप को हाइड करना है उस ऐप को सिलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो वो ऐप भी यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। फिर अगर आपको अनहाइड करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। उसके लिए भी आईटेल मोबाइल फ़ोन में आकर नीचे आना है और नीचे आकर आपको क्या करना है कि आपको फ़ोन मास्टर वाले ऐप में चले जाना है और फिर फ़ोन मास्टर वाले ऐप में आकर टूल बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आना है, फिर हाइड पर क्लिक करना है और फिर आपको वो पासवर्ड डाल देना है जो आपने सेट किया था हाइड करते टाइम। डाल देंगे तो इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको यहाँ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जितने भी ऐप हाइड होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब अनहाइड करने के लिए ऊपर कोने में आपको यहाँ प्लस थ्री डॉट का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। जिस ऐप को अनहाइड करना है उसको सिलेक्ट कर देना है। मैं आपको बता दूँ आप सिर्फ एक ही ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, तो सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो वो ऐप अनहाइड हो जाएगा। फिर अनहाइड करना है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक करके उस ऐप को सिलेक्ट कर देना है जिसको अनहाइड करना है, सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो वो अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं आईटेल विजन 3 में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।